नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल इस वक्त खूब चर्चाओं में हैं। कल हुए फेमिना कॉन्टेस्ट के दौरान उन्होंने खिताब जीता है और मिस इंडिया का खिताब जीतकर उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। मिस वर्ल्ड में अब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं। उनकी चाहत थी कि वो अपने देश का गौरव बढ़ाएं और ये उनकी पहली सीढ़ी मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल ने बुधवार रात यानी कि कल रात फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता और अब मिस वर्ल्ड के लिए तैयारी कर रही हैं। पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं और मिस इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले मुंबई के वर्ली में आयोजित किया गया था, जहां पर निकिता को मिस इंडिया का खिताब मिलने के बाद उनके अरविंद नगर स्थित घर में बधाइयों का तांता लगा हुआ है और लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया में इस वक्त निकिता पोरवाल बहुत छाई हुई हैं। करीब 2 माह पहले शहर की निकिता पोरवाल ने 200 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ फेमिना मिस इंडिया में पहुंची और कल देर रात ये खुशखबरी पूरे परिवार को लगी जब उन्होंने टीवी पर अपनी बेटी को इतने खूबसूरत तरीके से मिस इंडिया का ताज पहने हुए देखा और ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था उन्होंने पहली बार और उसमें वे सेलेक्ट हुई। निकिता को एक्टिंग के अलावा लिखने का शौक है और उन्होंने बहुत उम्दा किताबें लिखी हुई हैं और निकिता ने कई नेशनल इंटरनेशनल स्टेज ड्रामा की स्क्रिप्ट लिख चुकी हैं और उनके लिखे ड्रामा में 250 पेज की कृष्ण लीला भी शामिल है। ये पहली बार है मध्य प्रदेश का गौरव बनी है निकिता, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश से कोई बेटी निकल कर जाए और वो मिस इंडिया बन जाए और इस तरीके से गौरवान्वित करे कि पूरा देश देखता रह जाए। आप देखिए कि उनका उज्जैन के आगर रोड स्थित जो घर है वहाँ पर उनके पिता के ऑफिस पर लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है और इस वक्त निकिता पोरवाल जो कि सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, माता पिता बेटी के साथ मुंबई में हैं। घर पर मौजूदा निकिता के दादा और परिवार के अन्य लोगों से मिलने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। एक्टिंग के प्रति उन्होंने अपना रुझान व्यक्त किया है और तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जब उन्हें क्राउन पहनाया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया। और देखिए कि रामलीला में सीता और कृष्ण लीला में राधा की भूमिका ये निभा चुकी हैं, कुछ एक्टिंग पहले ये कर चुकी हैं और इनसे जुड़े बहुत ही खूबसूरत जो चीज़ें हैं बचपन से लेकर अभी तक की वो थोड़ी सी डिटेल आपको दे दें। दरअसल उज्जैन के कार्मल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हायर सेकेंडरी की पढ़ाई इन्होंने पूरी की है। गुजरात के महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से एक्टिंग मॉडलिंग स्क्रिप्ट राइटिंग का इन्होंने कोर्स किया है। निकिता को बचपन से नाटक में अभिनय का शौक था। स्कूल में होने वाली प्रतियोगिताएं, नाटक और तमाम जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उनमें ये भाग लेती थी और बहुत अच्छे प्रदर्शन करती थी। साथ ही कॉलोनी में होने वाले जितने भी कार्यक्रम होते थे उसमें भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और काफ़ी इनको बचपन से ही फेम का बहुत शौक था। इन्हें अच्छे अच्छे ड्रेसिंग का बहुत शौक था, मेकअप का शौक था और वो तस्वीर अब निकल कर सामने आई है मिस इंडिया के रूप में। तो अपने बच्चों को अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें पूरा सपोर्ट करिए, जैसे निकिता पोरवाल जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से महाकाल की नगरी से निकल कर आई हैं, बहुत ही छोटी जगह है और उसके बाद उन्हें अपने पूरे देश में नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया और अब वो पेजेंट में होने वाले मिस वर्ल्ड के लिए भी तैयारी कर रही हैं और हम सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आशा है कि निकिता एक बार फिर से चमके और पूरी दुनिया में जो मिस वर्ल्ड का खिताब है वो जीत कर आए और एक बार फिर से पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश और उज्जैन का नाम भी रोशन करें। और इस उपलब्धि को लेकर आप क्या सोचते हैं ज़रूर आप लिखिएगा, अपनी राय लिखिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।